वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिग्रेशन मॉड्यूल किस तरह से अप्लाई करना है और उसके लिए हमें अपने डेटा सेट में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमारा जो सिस्टम है या फिर जो हमारा कर्नल है उसको हमें बताना पड़ेगा कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर फीचर कॉलम्स कौन से है। ओके, तो हमें यहाँ पे वही आप डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिवाइड फीचर्स एंड डिपेंडेंट। ओके, तो फीचर कॉलम्स कौन से हैं और डिपेंडेंट कॉलम कौन सा है, ये आप हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू, तो x में हम सेव करेंगे हमारे फीचर कॉलम्स। ओके, तो मैं लिखूँगा x इज इक्वल टू इंश्योरेंस और डबल स्क्वायर ब्रैकेट में, मतलब अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कि इंश्योरेंस जो है डेटाबेस है या इंश्योरेंस नाम का जो डेटा सेट है उसमें से कौन से कॉलम मुझे फीचर कॉलम्स में चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मेरा आएगा एज, उसके बाद मैं लिखूँगा कॉमा कोट्स में सेक्स सेकंड कॉलम, थर्ड बीएमआई, फोर्थ चिल्ड्रन, फिफ्थ उसके बाद चिल्ड्रन के बाद स्मोकर और उसके बाद आएगा रीजन। ओके, तो ये एक्स तो हमने डिफाइन कर लिया, तो हमने बता दिया कि जो कुछ 7 कॉलम है हमारे टोटल, अभी देखो एज सेक्स बीएमआई चिल्ड्रन स्मोकर रीजन और चार्जेस, ये 7 कॉलम है, उन 7 में से एज सेक्स बीएमआई चिल्ड्रन स्मोकर और रीजन ये 6 कॉलम आप एक्स में डाल दो, मतलब ये जो 6 कॉलम्स है वो क्या है मेरे फीचर कॉलम्स है। और वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे इंश्योरेंस और उसमें लिखेंगे चार्जेस। ओके, तो एक कन्वेंशन होता है जो कि हर कोई, जैसे हम पांडा जी एज पीडी करते हैं उसी तरह का कन्वेंशन होता है कि आपके जो फीचर्स कॉलम है वो आप एक्स में लिखते हो और आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर डिपेंडेंट कॉलम है वो आप वाई में लिख सकते हो। आप इन जगह एक्स और वाई की जगह आप दूसरे कॉलम्स भी या दूसरे नाम वेरिएबल भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे उसको बता दिया कि कैपिटल एक्स में आप क्या करो, ये सारे कॉलम डाल दो और वाई में ये सारे कॉलम डाल दो। ठीक है, तो मैंने किया शिफ्ट एंटर जो रन हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कैपिटल एक्स डॉट शेप। तो अब देखो, अब ये मेरा सबसे पहले एक इंश्योरेंस डेटा फ्रेम था, उसके मैंने 2 डेटा फ्रेम बनाए अलग अलग, कैपिटल एक्स और वाई। तो एक्स का शेप मुझे आ गया 1338, मतलब रोज वैसे की वैसे ही रहे और कॉलम जो हमारे पहले आते थे 7 अब आ रहे हैं 6। ओके, तो कौन सा, ये चार्जेस वाला कॉलम वहाँ से माइनस हो गया। और उसी के साथ साथ अगर मैं चलाऊँगा वाई डॉट शेप, तो वाई डॉट शेप में मुझे देखो आ गया 1338 रोज एंड 1 कॉलम, 1 मतलब कौन सा, सिर्फ चार्जेस का कॉलम। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसको जो हमारा अभी जो डेटा हमने एक्स और वाई में तो डिवाइड कर लिया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे करना है ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, तो हम मैं यहाँ पे लिखूँगा कैपिटल एक्स वाला जो है अंडरस्कोर ट्रेन, उसके बाद कैपिटल एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ओके, उसके बाद वाई का ट्रेन डेटा और वाई का टेस्ट डेटा, मतलब हमने इसे बता दिया है कि ये जो एक्स और वाई है वो आप एक्स अंडरस्कोर ट्रेन एक्स अंडरस्कोर टेस्ट और वाई अंडरस्कोर ट्रेन वाई अंडरस्कोर टेस्ट में आप इन 4 में डिवाइड करो। किस तरह से डिवाइड करो, तो आपको इस्तेमाल करना है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इस मॉडल को यूज़ करो और एक्स और वाई जो ये है एक्स और वाई इनको इन चारों में डिवाइड, इन दोनों को चारों में डिवाइड करो। और उसी के साथ साथ मैं दूंगा टेस्ट अंडरस्कोर साइज, मतलब जो ये टेस्ट होगा ना एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट उनकी साइज कितनी होगी, कितनी परसेंट वैल्यूज आपको टेस्ट के लिए चाहिए और कितनी परसेंट वैल्यूज आपको
ट्रेन के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 0.2। 0.0 टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2 का मतलब होता है जितने वैल्यूज है ये 1338 उसमें से 20% वैल्यूज आप टेस्ट में डाल दो, मतलब 20% वैल्यू अगर टेस्ट में जाएंगे तो 80% वैल्यू ट्रेन में जाएंगे, मतलब हमारा जो मॉडल ट्रेन होगा वो 80% डेटा पे ट्रेन होगा और वो हम 20% डेटा पे टेस्ट करेंगे। ओके, और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक और एडिशनल आर्गुमेंट होता है, उसका नाम है रैंडम स्टेट। तो मैं यहाँ पे रैंडम स्टेट दे रहा हूँ 0 कि वो खुद डिसाइड करे कि कौन से वैल्यू ट्रेन में डालना है और कौन सी वैल्यू टेस्ट में डालना है। आप यहाँ पे रैंडम स्टेट में के लिए अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हो कि ये पहले वाले ये वैल्यू ट्रेन में डाल दो, उसके बाद का वैल्यू टेस्ट में डाल दो, उसके बाद फिर सपोज मैंने अगर ये 3 दे दिया, यहाँ पे रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 3 ऐसा डाल दिया, तब क्या होगा कि पहले 3 वैल्यू जाएंगे ट्रेन में, चौथा जाएगा टेस्ट में, आगे के 3 जाएंगे फिर मतलब 5, 6, 7 ये 3 जाएंगे ट्रेन में, उसके बाद फिर से जाएगा टेस्ट में, तो इस तरह से वो एंड तक जाएगा, फिर वापस आके वो डिवाइड करेगा। ओके, जब तक ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक वो एक ट्रेन में टेस्ट, ट्रेन में टेस्ट में ऐसा करता रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे दे रहे हैं रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 0 कि वो खुद डिफाइन करे कौन सा वैल्यू उसे ट्रेन में चाहिए और कौन सा वैल्यू टेस्ट में। ओके, तो मैं यहाँ करूँगा इसे शिफ्ट एंटर से रन, तो यहाँ पे एरर तो नहीं आया, मतलब ये रन हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, अब हमें चेक करना है ये जो ट्रेन टेस्ट है इनका साइज। ओके, तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट और मुझे चाहिए एक्स ट्रेन डॉट शेप, तो मैं इनको ही इसे ही कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी। तो एक तो यही हमारा रन हो गया, सो ये वाला पूरा, तो मुझे एक्स ट्रेन हो गया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए यहाँ पे एक्स टेस्ट, उसके बाद आएगा वाई ट्रेन और उसके बाद आएगा वाई टेस्ट। ओके, तो जैसे मैं रन करूँगा, अब देखो अब ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्स ट्रेन में आ गए 1070 वैल्यूज और उस वाई ट्रेन में भी आ गए 1070 वैल्यूज, और एक्स टेस्ट में आ गए 268, वाई टेस्ट में आ गए 268। ओके, तो गाइज ये था ट्रेन टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे मॉडल बनाना और उसे अप्लाई करना। ओके, और उसके सारे जो कोएफिशिएंट्स होंगे लीनियर रिग्रेशन के, वो कोएफिशिएंट किस तरह से फाइंड आउट करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।